नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली मेनार्क के बारे में। जिस उम्र में लड़कियों को पीरियड्स आने की शुरुआत होती है उसे ही मेनार्क कहा जाता है। जनरली ये उम्र 13 से 14 साल की होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि 9-10 साल या 11 साल की लड़कियों को ही पीरियड्स आने की शुरुआत हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है, आज इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हमारा जो खाना पीना या जो लाइफस्टाइल आज होता जा रहा है, यही सब कारण इसके पीछे छुपे हुए हैं। हमारे खाने में आजकल जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, उनका प्रमाण बढ़ रहा है। जैसे कि पीनट बटर हो गया, या चॉकलेट सिरप्स, चॉकलेट बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जंक फूड, दही का अधिक मात्रा में प्रयोग, या फिर नॉनवेज का अधिक प्रयोग, बेकरी प्रोडक्ट्स, और साथ साथ ही जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं जो कि बच्चों को बड़े इजीली अवेलेबल हैं, चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, वो बड़े इजीली से रोज़ अपनी डाइट में इसको लेते ही लेते हैं। साथ साथ ही बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम होती जा रही है। वे सारा दिन मोबाइल टीवी पर लगे रहते हैं और उनकी मूवमेंट्स, उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होना, साथ ही टीवी मोबाइल पर वो जो मूवीज़ या जो वो वीडियोज़ देखते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी होती हैं जो उनके काम की नहीं होती हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज उन्हें मिल रही है उससे, लेकिन उनका बाल मन पर, उनके मन पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह, साथ साथ ही जंक फूड खाने की वजह से उनकी बॉडी में जो हार्मोन सही तरीके से सिक्रेट होने चाहिए वो सही तरीके से सिक्रेट नहीं होते, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि इन सब का असर बॉडी में पित्त जो दोष है उस पर होता है, और पित्त दोष के एग्रेवेट होने की वजह से या बिगड़ जाने की वजह से ही पीरियड्स की जल्दी आने की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी लड़की को, किसी महिला को कम उम्र में पीरियड्स आने की शुरुआत हो चुकी है, तो उसके पेरेंट्स बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि आखिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब पीरियड्स आने की शुरुआत हो ही चुकी है तो उसे बंद करना या ज़बरदस्ती उसे देर से लेकर आना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए। कोई भी लड़की फिज़िकली एक्टिव रहे, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, बहुत देर तक दिन में ना सोना, इसके साथ साथ ही जो भी गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं जिसकी लिस्ट भी हमने दी हुई है, दही, मेयोनीज़ या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा करके अखरोट, पिस्ता या काजू, इनका प्रयोग कम करना, और फ्रूट्स में जैसे कि पपीता कम मात्रा में देना चाहिए। इसके साथ ही नॉनवेज फूड का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए, वेजिटेरियन फूड की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, सैलड्स ज़्यादा लेने चाहिए। जूसेस में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो घर के बने हुए जूसेस लें, फ्रेश जूसेस लें, जो पैक्ड जूसेस मिलते हैं, क्योंकि उनमें आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, फिर में स्वीटनर्स या फिर उन्हें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, और इन सब का ही बुरा असर पड़ता है। तो ये सब चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में अगर करें, और हाँ एक और चीज़ कि बच्चों का जो भी मोबाइल पर, टीवी पर जो वो देखते हैं, वो जो भी वॉच कर रहे हैं, उन सब पर एक तो लिमिटेशंस होनी चाहिए, और हम पेरेंट्स का ध्यान भी होना चाहिए कि वो किस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, उस पर वो क्या स्टफ़ देखना चाह रहे हैं, उस पर भी थोड़ा हमें प्रतिबंध या रोक लगानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि उनके एज के अकॉर्डिंगली उन्हें किस तरह की नॉलेज उसमें मिल रही है। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो लड़कियों में अगर जल्दी पीरियड्स आ भी रहे हैं तो वो रेगुलर रहेंगे और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ का आगे सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।